दोस्तों 6 दिसंबर 2007 इसराइल की ओर से सीरियन आसमान की तरफ बढ़ रहे ये 10 F-15 ईगल जिनका मकसद एक ही था, इसराइल की धरती को हमेशा के लिए मिटने से बचाना। इस ऑपरेशन का शुरुआत होता है 2006 को, जब एक खूबसूरत लड़की या कहें तो मोसाद एजेंट एक सीरियन ऑफिसियल को अपने हॉनी ट्रैप में फंसा कर उसके लैपटॉप से सभी डाटा इसराइल को भेज देती है, जिसको देखकर इसराइली सरकार का होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सीरिया एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो इसराइल को धरती के नक्शे से ही गायब कर सकते थे, क्योंकि इस समय यह था न्यूक्लियर बॉम्ब जो नॉर्थ कोरिया की सरकार किम जोंग उनके साथ मिलकर सीरिया बना रहा था। लेकिन वहीं ये कई इमेजेस से पता लग चुका था कि कोई डेजर्ट है जहां सीरिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये नहीं पता था कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जिसके बाद ये खबर इजराइल अपने सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका को भेज देता है, जहां उसके बाद अमेरिका अपने सभी इमेजिंग सैटेलाइट को इजराइल के ऊपर लगा देता है और आखिरकार सीरिया न्यूक्लियर फैसिलिटी मिल जाती है। वहीं इजरायली F-15 उस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 17 टन बॉम्ब गिरा के पूरी तरह से तबाह कर देते हैं।